कैसे हो आप सभी फूडी गर्ल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आज बनाने वाले हैं मोमोज की चटनी। तो मोमोज की चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले ली घर में सुखाई हुई कुछ लाल मिर्च और ये लहसुन की कलियाँ कुछ हमने ले ली हैं, हमने इसके छिलकों को नहीं हटाया है। दो मीडियम साइज छोटी प्याज हमने इसको ऐसे बड़ी बड़ी सी काट ली है और हमने एक टमाटर लिया जिसको हमने बीच से ऐसे काट लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे लिया एक भगोना जिसमें हमने एक ग्लास पानी डाला है। तो अब हम इसको इसमें बॉयल करने के लिए डालेंगे। सबसे पहले हमने इसमें टमाटर डाला। तो फ्रेंड्स, हम सारी चीज़ों को इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसको 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, हमने गैस को हाई फ्लेम पे कर दिया है और हम यहाँ पे इसको ढक के रख देंगे। फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट तक हो चुके हैं, अब हम इसको चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो कितना अच्छे से ये बॉईल हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको चेक कर रहे हैं कि ये पका कि नहीं। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट तक हम इसको और पकाएंगे तो ये अच्छे से पक जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये अच्छे से पक चुका है, तो हम गैस को बंद करेंगे और इसको पीसने की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस पानी को फेंकेंगे नहीं, हम इसका भी यूज करेंगे। फ्रेंड्स, हमने अपनी चटनी को अच्छे से पीस लिया है मिक्सी में डाल के, तो अब हम इसको बनाने की तरफ चलते हैं। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। तो फ्रेंड्स, हम तेल का बहुत थोड़ा यूज करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, फ्रेंड्स हम इसमें कुछ कढ़ी के पत्ते डालेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे अपनी चटनी। फ्रेंड्स, हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और यहाँ पे हमने लिया है फूड कलर, अगर आपको कलर पसंद है तो आप डालिए। और फ्रेंड्स, हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा जो यहाँ पे पानी बचा था उसको हम इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा पसंद है तो आप ना डालिए। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसको धीमी आंच में रख देंगे पकने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारी चटनी अच्छे से हो चुकी है बॉयल, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम सामान में बनके तैयार हो जाती है। ये चटनी हम ज़्यादातर बाहर खाते हैं मोमोज के साथ और फिंगर के साथ। तो हमने आज सोचा कि क्यों ना हम आज इसको अपने घर में ट्राई करते हैं और ये रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, हमने इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली है कि जो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाएँ। हमने इसमें वही चीज़ डाली है जो कि हमारे घर में उपलब्ध है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारी चटनी बन के हो चुकी है तैयार। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये चटनी कैसी लगी और आप लोग इसको प्लीज़ ट्राई कीजिएगा घर पे और हमको कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि ये चटनी कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया लेके आएंगे आप सभी के लिए। तो तब के लिए बाय बाय।